भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। कल्याणपुर विधानसभा से दोबारा जीत हासिल की उच्च राज्य शिक्षा मंत्री नीलिमा कटियार ने। इस दौरान फर्स्ट इंडिया न्यूज के सहयोगी सुमित अवस्थी ने नीलिमा कटियार से की खास बातचीत। फर्स्ट इंडिया पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश की उच्च राज्य शिक्षा मंत्री और कल्याणपुर से दोबारा से विजयी हुई है, हमारे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं उनसे। बहुत बहुत बधाई आपको दोबारा से। क्या कहेंगे आप, किस तरह की लड़ाई हुई उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से जो विपक्ष ने लगातार हमले किए थे, तुष्टिकरण के हमले किए थे, तमाम हमले किए थे, लेकिन क्या फैक्टर था? देखिए, जिस प्रकार के सेवा भावना से ये सरकार चली है, और किसी भी सरकार की जो पहली जिम्मेदारी होती है वो लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर व्यवस्था जिम्मेदारी होती है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है 2017 के बाद, तो एक भी दंगा ना होना, अराजकता मुक्त उत्तर प्रदेश होना, और न सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े जो स्थान आतंक के केंद्र कहे जाते थे, आतंक के गढ़ कहे जाते थे, माफिया कहे जाते थे, उनके ऊपर कार्रवाई करने के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक इस प्रकार के अराजक तत्वों को एक मैसेज गया, और उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा के हर कोने को मैसेज गया, और अराजकता का अंत उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। पहला जो सत्ता व्यवस्था से अपेक्षा एक मतदाता की होती है, उस प्रदेश के नागरिक की होती है, उस कसौटी पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर खरा उतरने का काम किया है, और जिस प्रकार से सदी की सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना, उसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो व्यवस्थाएं निकल करके आई, हम 29 करोड़ 30 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन के साथ हमने जब तीसरी लहर को पीछे धकेल दिया, ओमिक्रॉन उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो व्यवस्थाएं हुई उसमें हमने ओमिक्रॉन को बौना कर दिया, ये सारी चीज़ें, और ड्यूरिंग कोविड जिस प्रकार की राशन की व्यवस्था हुई, जिस प्रकार की जीवन और आजीविका दोनों को बचाने की व्यवस्था हुई, और ये एक कारण रहा, विपक्षियों ने मुद्दा विहीन होने के कारण झूठ का एक भ्रमजाल बनाने का प्रयास किया, एक आडंबर बनाने का प्रयास किया, लेकिन जो जनता जनार्दन है और जो जनार्दन है वो सत्य से परे नहीं हो सकता। जनता को किस तरह का मैसेज देंगी कल्याणपुर विधानसभा से, अब दोबारा से विजय हुए, तो यहाँ की जो जनता है क्या ब्लूप्रिंट पे तैयार होगा आगे? ये 5 साल तो आपने जो भी कार्य किए हैं, लेकिन अगले 5 साल के लिए क्या ब्लूप्रिंट रहेगा, और दूसरा क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कल्याणपुर विधानसभा के सभी सम्माननीय मतदाताओं का बहुत बहुत हृदय से मैं आभार कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित देवतुल्य कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और वंदन कर रही हूँ, और साथ ही साथ ये आश्वस्त करने का प्रयास कर रही हूँ कि जिस तरह से 2017 के बाद जो विश्वास समर्पित किया था सम्मानित कल्याणपुर के मतदाताओं ने, उस विश्वास पर खरे उतरने का काम जैसे मैंने किया है, और पुनः विश्वास जो आया है, जो कोरोना के कारण हमारी विकास की जो परियोजनाएं थी, क्योंकि कल्याणपुर एक सीमावर्ती विधानसभा है, जो मूलभूत आवश्यक आवश्यकताएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई आवश्यक आवश्यकताएं हैं, चाहे सीवर लाइन का प्रोजेक्ट हो, जो बचे हुए वार्ड हैं उनमें हमारी पूरी विधानसभा सीवर लाइन से हमारी आच्छादित हो जाए, जो हमारे जल भराव के अभी कुछ स्थान अभी भी बाकी हैं वो हमारे सारे स्थान कष्ट के वो ख़त्म हो जाए, हर घर नल योजना से पूरी विधानसभा मेरी आच्छादित हो जाए, इस ओर रहेगा। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी के बहुत सारे केंद्र व्यवस्थित नहीं हैं, जो हमारे पोषण का केंद्र हैं धात्री बहनों के मेरी, वो है। हमारे कुछ परिषदीय विद्यालय हैं जो बहुत जर्जर अवस्था में थे, उनके बारे में सूचना शासन को 18 में ही पहुँच गई थी, व्यवस्थित पहुँच गई थी, लेकिन कोविड के कारण हम उसको परिणाम तक नहीं पहुँच पाए। कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी वो जर्जर भवन और हमारे नौनिहाल व व्यवस्थित रूप से परिषदीय विद्यालयों में पढ़ सकें। ये कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, और इन पर जो काम अभी तक रुका था उनको तेज गति से, क्योंकि हम कोरोना से उबर चुके हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनका तेज़ी से धरातल पर अमली जामा जो पात्रताएँ हैं वो लाभार्थी में तेज़ी से बदलें, इस ओर काम रहेगा। मेरे आखिरी सवाल कि आप एक महिला हैं, और महिला होने के नाते जो कल्याणपुर विधानसभा में तमाम महिलाएं हैं, उनको लेकर के क्या कोई एजेंडा तैयार किया है कि उनको सशक्त बनाया जाए या उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए? देखिए,
मातृशक्ति का, बहनों का जिस प्रकार का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है, भरपूर आशीर्वाद उन्होंने दिया है। और मैं कहना चाहूँगी कि 2014 के बाद से जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी और 2017 के बाद से जो उत्तर प्रदेश की योजनाएं थी, हम ये देख रहे हैं कि अधिकांश जो जनहित की, लोकहित की, सम्मान हित की योजनाएं हैं वो बहनों को समर्पित हैं, मातृशक्ति को समर्पित हैं। हम समझ सकते हैं इस बात से, इस आंकड़े से कि 2012 से 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर 10,000 स्वयं सहायता समूह थे और 2017 से 2022 के बीच में, जिसमें हमने आधा समय कोरोना से संघर्ष किया है, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के अंदर 1,000,000 स्वयं सहायता समूह हैं और 1,000,000 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मेरी उत्तर प्रदेश की 1 करोड़ बहनें अपने परिवार के आर्थिक तंत्र के लिए संबल बनने का काम कर रही हैं। और हमने जितनी ये योजनाएं आ रही हैं उसमें उसका आंकड़ा जब हम देख रहे हैं तो बहनों का सशक्तिकरण और बहनों की जो सबसे पहली आवश्यकता होती है वो माहौल, परिवेश सुरक्षित होने की होती है। जो पहली कैबिनेट 2017 की थी उसमें हमने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो वरीयता है, वो सम्मानित बहन और सशक्त बहन वो उसी योजना पर, उसी लक्ष्य को पहले दिन से, पहले मिनट से, पहली कैबिनेट से वो साथ करके आगे बढ़े। तो आपने देखा किस तरीके से साफ तौर पर उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और साथ ही कल्याणपुर की जो जनता है उनको भी कहीं ना कहीं धन्यवाद दिया है, साथ ही जो कार्यकर्ता है उनको भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शुक्रिया किया है। उन्होंने जिस तरीके से उत्साह के साथ चुनाव प्रचार किया है और नीलमा जी की जो नीतियाँ हैं, नीतियों को घर घर तक पहुँचाया है, उसको लेकर सभी का शुक्रगुजार है वो। और साफ तौर पर उनका कहना है कि आने वाले जो 5 सालों में जो विकास कार्य अधूरे हैं, निश्चित तौर पर इन 5 सालों में उससे बेहतर विकास कार्य देखने को मिलेंगे। कानपुर से सहयोगी आरिफ के साथ सुमित अवस्थी, फर्स्ट इंडिया।